तो दोस्तों आप भी करते हैं गूगल क्रोम का यूज़, मुझे पता है आप ज़रूर करते होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ सिक्योरिटी रीजंस को लेकर। अगर आप दोस्तों उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, होकर हो सकता है कि हैकर्स आपके ऊपर अटैक करें और आप इजिली उसके उनके चंगुल में फंस जाएँ। तो दोस्तों इन स्टेप्स को आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं और हम देख लेते हैं क्या क्या वो स्टेप्स हैं। दोस्तों मेरा नाम है शिशुपाल, टेक्युड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों सॉल्यूशन से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम बता देता हूँ। दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, 19 अक्टूबर को गूगल कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए हम लोगों को बताया कि उनका जो गूगल क्रोम है उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ बग्स उन्होंने डिटेक्ट किए, जिससे दोस्तों क्या हो रहा था कि हैकर जो है ना आपके कॉन्फिडेंशियल डाटा को ईजिली हैक कर सकते थे। अगर आप मान लीजिए अपने गूगल क्रोम को एक्सेस कर रहे हैं, उसमें आप कुछ पासवर्ड देते हैं, आपके बैंक पासवर्ड हो गया या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आप उसमें फिल करते हैं, तो हो सकता है कि वो हैकर्स इजीली उसको अटैक कर पाएं, आपकी डिटेल वो ले पाएं। जिसके लिए दोस्तों कंपनी ने क्या किया है, तो कुछ सिक्योरिटी पैच कंपनी ने जारी किए हैं दोस्तों, वो विंडोज, लिनक्स और आपके मैक तीनों के लिए हैं। दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। दोस्तों अपडेट का प्रोसेस अगले स्टेप में आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि उसका अपडेट वर्जन होगा दोस्तों, वो होगा आपका 86.0.4240.111। आपको ये चेक कर लेना है दोस्तों कि अगर आपका ये अपडेट वर्जन शो कर रहा है आपके क्रोम में, तो आपको कोई भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये शो नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर अपडेट डिटेक्ट कर जाएगा, आपको अपडेट कर लेना है उसको। दोस्तों अपडेट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चालू करना है, जैसे कि मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना। उसके बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है राइट टॉप कॉर्नर में जाकर, ठीक है। फिर आपको हेल्प के ऑप्शन में जाना है, हेल्प में जाके बाद आपको अबाउट गूगल क्रोम में जाना है। आपको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका ये खुल रहा है, गूगल क्रोम इज़ अप टू डेट। मेरा तो यहाँ अपडेट मैं कर चुका हूँ। अगर आपने अपडेट नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ये वर्जन है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी बता सकता है आपका, ये 111 से लोअर ग्रेड कोई सा भी आ सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। और दोस्तों अगर आप रेगुलर इंटरनेट यूज़ करते हैं और अगर आपने इसको ऑटो मोड पर लगा रखा है, तो दोस्तों वो आपको अभी तक ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका होगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये डिटेल आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर ये हेल्पफुल है तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।